जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शनिवार को ग्राम पंचायत भावापार के पंचायत भवन में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसी क्रम में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत भावापार में चौपाल लगाया गया और जनता की समस्याओं को सुना गया, जिसमें विभिन्न तरह के मामले आए। सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए थे। जहां कहीं भी संदिग्ध मामला था, टीम बनाकर मौके पर जाकर मामले का जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तो जिन लोग के आवेदन हो चुके हैं, पात्र हैं, वो लोग आराम से रहें, वो जैसे ही बजट की उपलब्धता होगी उसके आधार पर उनके खाते में धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। और सत्यापन भी इसमें हो रहा है बड़े पैमाने पे, जो भी अपात्र लोग हैं वो लोग अपना नाम करवा लें, क्योंकि बाद में अभी एक सत्यापन दूसरा किया जाना है। नहीं जा पाएंगे समय पर शौच करने के, दिन में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, आपके भवापार में इतनी आबादी है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, आप दिन में नहीं जा सकती, आपको शाम का इंतजार करना पड़ता है जाने के लिए। तो दिन भर जो अपनी शौच को जो आप रोके रखती हैं, उसके पेट पे जो दबाव पड़ता है, उससे आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप बाहर जाते हैं, खुले में अकेले जाते हैं, खेत में जाते हैं, महिला वहां पे, जैसे हमारा हमारा लगातार सिलसिला चल रहा है, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चाहे जैसे अपर जिलाधिकारी, CDO, मेरे द्वारा, सभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सभी द्वारा चौपाल लगा के लोगों की सुनवाई मौके पे ही कर रही है। प्रशासन उनके द्वार तक पहुंच रहा है, सभी विभागों द्वारा अपने अद्यावधि स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, कोई आपत्ति आ जाए तो मौके पर सुनकर उसको सुधारात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही है।